तो डे टू की शुरुआत की हमने एक ज़बरदस्त चाय के साथ। ये मेरे पापा और बाबा हैं जो कि चाय एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपने बाल ब्लो ड्राई कर रही थी तो मामा ने पूछा किससे क्या होता है। मैंने कहा इससे बाल सीधे होते हैं। इसके बाद का मंज़र आप खुद ही देख सकते हैं। जुम्मा का दिन था तो हम चले जुम्मा पढ़ने, और अगर आप जुम्मा पढ़ने जाएँ तो प्लीज़ 1 घंटे पहले लास्ट में निकलें क्योंकि बहुत रश होता है जैसे कि आप देख सकते हैं। हरम में दाखिल होने के बाद हमें जगह मिल गई और मुझे यहाँ एक आंटी मिली जो कि अल्जीरिया की थी। आईफोन ट्रांसलेटर के थ्रू हमने एक दूसरे से बात की थी और आंटी बहुत हम्बल थी। बाद में उन्होंने हमें लड्डू भी खिलाए। बेसिकली मेरा आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आप मक्का में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्हील चेयर्स पर होते हैं, जो अपने ग्रुप से जुदा हो जाते हैं, तो उनको बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है अपने होटल जाने के लिए। वो इसलिए दूसरे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं कोई उनकी हेल्प कर दे। और मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि मुझे एक आंटी मिली थी जो कि व्हील चेयर पर थी और बहुत सारे लोग उनको इन वजह से इग्नोर करके चले गए थे क्योंकि उनको उनकी बात ही नहीं समझ आ रही थी। तो मैंने आईफोन ट्रांसलेटर का यूज़ किया जिससे उनको मेरी बात समझ आई, मुझे उनकी बात समझ आई। तो पता चला वो अपने ग्रुप से जुदा हो गई थी, उन्हें होटल जाना था, तो हम उनको फिर होटल छोड़ के आए थे। तो मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि इन फ्यूचर आप लोगों में से भी कोई उधर जा रहा है तो किसी की हेल्प करनी पड़ जाए तो वो आईफोन ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो लेकिन जिसको नहीं पता है वो उसके लिए ही है बस। खैर फिर हम चले आयशा मस्जिद की तरफ दूसरे उम्रे का एहराम बंद, और ये हम आयशा मस्जिद पहुँच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। फिर हम आयशा मस्जिद से एहराम बांधने के बाद उम्रा करने के लिए वापस गए, और जब हरम पहुंचे तो वहाँ हरम की सफाई हो रही थी और देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। देन हमने अपना दूसरा उम्रा किया, और उम्रे के दौरान पिक्चर और वीडियोस ना ही लें तो अच्छा है। इबादत करें क्योंकि इबादत के दौरान पिक्चर और वीडियो लेना अच्छी बात नहीं है। जितनी मैं पिक्चर और वीडियोस देख रही हूँ उम्रे के बाद हमने ली थी। और एक ज़रूरी बात, आप उम्रे के दौरान काबा शरीफ का बोसा ना लें, ना उसे छुएं क्योंकि आप एहराम की पाबंदियों में होते हैं और काबा शरीफ में बहुत सारी खुशबू होती है जिसकी वजह से आप पर दम वाजिब हो सकता है। और सफा मरवा के चक्कर लगाते वक्त हम लोग एक दूसरे से अलग हो गए थे जिसकी वजह से मैंने सफा मरवा के 2 एक्स्ट्रा चक्कर लगाए और एंड में मेरे मामू तो थक हार कर बैठ गए थे। और भाई यहाँ के फकीरों के पास तो हमसे भी ज़्यादा रियाल थे। देन फाइनली हम सब मिल गए और होटल वापस चले गए। देन बाबा को शेख बनने का बहुत शौक था तो कपड़े तो नहीं थे इसलिए हमने स्नैपचैट से उनका ये शौक पूरा कर दिया। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।